सभी को लो प्रोफाइल और चौड़े टायर गाड़ी में अच्छे लगते हैं, जैसे किसी स्पोर्ट्स कार के टायर होते हैं। और जब हम नॉर्मल कार में ऐसे टायर डाल देते हैं तब गाड़ी के माइलेज, परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग पे काफी इफेक्ट पड़ता है। और आज इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि क्या आपको अपनी गाड़ी में लो प्रोफाइल, फ्लैट टायर और चौड़े टायर डालने चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑटोमोटिव रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड, जब भी गाड़ी में गलत टायर डाल देते हैं तब आपको रोड के हर एक इम्परफेक्शन यानी गड्ढे और वाइब्रेशन गाड़ी में फील होते हैं, और गाड़ी का सस्पेंशन और बुशिंग खराब हो जाता है, और गाड़ी काफी ज्यादा फ्यूल पीने लगती है, और गाड़ी का माइलेज भी खराब हो जाता है। और ऐसे टायर फिट करने के लिए आपको रिम और टायर दोनों चेंज करना पड़ता है, और इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो आखिर ऐसे टायर मार्केट में अवेलेबल क्यों होते हैं, और क्या ऐसे टायर डालने से कोई एडवांटेज मिलता है या नहीं, तो आज ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाला, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो इसको समझने के लिए मैं दो टायर को कंपेयर करता हूँ, पहला हाई प्रोफाइल टायर छोटे रिम के साथ में और दूसरा लो प्रोफाइल टायर बड़े रिम के साथ में। रबड़ काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो हाई प्रोफाइल टायर गड्ढे और स्पीड ब्रेकर के झटकों को काफी अच्छे से अब्सॉर्ब करता है, और इसलिए मैक्सिमम कार, ट्रक और SUV में हाई प्रोफाइल टायर यूज किए जाते हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल टायर का एक नुकसान होता है कि शार्प कॉर्नरिंग के टाइम पे टायर थोड़ा सा बेंड होता है, जो कि हाई स्पीड और शार्प कॉर्नरिंग के लिए अच्छा नहीं होता है। वहीं एक लो प्रोफाइल टायर में ये साइड डिफ्लेक्शन कॉर्नरिंग के टाइम पे काफी कम होता है और गाड़ी स्टेबल रहती है। लेकिन जब लो प्रोफाइल टायर नॉर्मल कार, जो कि स्पोर्ट्स कार नहीं है, उसमें यूज करते हैं तो आपको रोड के गड्ढे ज्यादा फील होंगे, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को रेस ट्रैक पे चलाने वाले नहीं है। तो पतले टायर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन और बुशिंग को खराब करते हैं। तो अब आते हैं टायर की चौड़ाई पे, यहाँ से चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। चौड़े टायर उन गाड़ियों के लिए होते हैं जहाँ पे लोड काफी ज्यादा होता है और जहाँ गाड़ियों का एक्सेलरेशन काफी ज्यादा होता है। तो पहले जानते हैं हाई टॉर्क एप्लीकेशन के लिए, जहाँ गाड़ियाँ तेजी से एक्सेलरेट करती हैं और 3 से 4 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड टच करती है। तो अगर कोई गाड़ी 10,000 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है और टायर का रेडियस 25 सेंटीमीटर का है, तो दोनों टायर मिल के रोड पे 40,000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करेंगे रोड पे। और अगर टायर की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की है तो टायर के पर सेंटीमीटर पे 40,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और रोड पे फ्रिक्शन भी काफी ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा चौड़े टायर होंगे गाड़ी पे, इंजन को उतना ज्यादा ताकत लगाना होगा गाड़ी को आगे ढकेलने के लिए, जिसके वजह से गाड़ी का माइलेज और इंजन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो अब जानिए कि चौड़े टायर के फायदे क्या हैं। चौड़े टायर रोड पे ज्यादा जगह घेरते हैं पतले टायर के मुकाबले। तो अगर गाड़ी में काफी ज्यादा लोड है तो चौड़े टायर लोड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोड पे, और गाड़ी स्टेबल रहती है, और गाड़ी का ब्रेकिंग पावर भी बढ़ जाता है। गाड़ी जल्दी स्लो डाउन होती है ब्रेक लगाने पे, और टायर भी स्लिप नहीं करता है, इसलिए स्पोर्ट्स कार में चौड़े टायर दिए हुए होते हैं। और आपने देखा होगा कि ट्रक में लिफ्ट एक्सल होता है, तो जब गाड़ी फुल लोड में होती है तब लिफ्ट एक्सल को नीचे करते हैं, जिससे हर एक टायर पे लोड कम पड़ता है, और जब गाड़ी पूरी खाली होती है तब हम लिफ्ट एक्सल को ऊपर करके रखते हैं, जिससे गाड़ी के माइलेज और परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आप अपनी नॉर्मल कार, जो कि स्पोर्ट्स कार नहीं है, उसमें चौड़े टायर डालते हैं तो गाड़ी का माइलेज और पिकअप कम हो जाता है, लेकिन गाड़ी का ब्रेकिंग पावर और स्टेबिलिटी हाई स्पीड में काफी अच्छा होता है। तो अगर आप अपनी नॉर्मल कार को 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं ज्यादातर टाइम, तो आपको थोड़े से चौड़े टायर डालने चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड पे सेफ्टी मस्ट है। लेकिन चौड़े टायर डालने से गाड़ी का माइलेज कम होता है। और अगर आप अपनी गाड़ी को नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो ओनर मैनुअल के अकॉर्डिंग टायर साइज डालिए, इससे गाड़ी का माइलेज, परफॉर्मेंस और सस्पेंशन का लाइफ बढ़ जाएगा, और सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।